व्यापार पे करते थे और वहां से वो सारी चीजें वो देखते थे, सुमेरियन अकेडियन ये सारी चीजें। तो आप लोग होते हैं कि सबसे ज्यादा भाषा कौन सी बोली जाती है, एमसीक्यू में आपके क्वेश्चन आएंगे। तो बहुत सारी चीजें थी जो लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर आपने इन क्वेश्चन को तैयार किया। तो आप देखो लॉन्ग क्वेश्चन विद आंसर, अगर आपने इसको तैयार कर लिया तो शॉर्ट क्वेश्चन आपको ज्यादा सोचने नहीं पड़ेगी, जहां पे आपको टर्म दिखे आप सीधा सीधा वहां पे उसे एड ऑन कर सकते हो। तो यही एक नमस्ते फायदा भाई। आयो मेरे भाई, क्लास 11th में जो आप लोग का हिस्ट्री के एग्जाम है उसके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपके एग्जाम से पहले पहले मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा दूंगा, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इससे बाहर आपका पेपर नहीं होगा। ये जो है आपके पहला चैप्टर है, इसके सिर्फ और सिर्फ आपको 4 से 5 क्वेश्चन तैयार करना है, इतना मोर देन सफिशियंट है। और इसी तरह कंटेंट मैंने ऑफलाइन में भी करवाए हैं। तो मेरे भाई आप लोग कंप्लीट इस सेशन को देख लेना, आपके पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। जो हिस्ट्री में आपके पेपर आने वाले, आपके एक्सपेक्टेड पेपर है, वो आपके सामने होगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने में भाई, इस चीज को ध्यान रखना, सबसे पहला क्वेश्चन आप सामने स्पष्ट कीजिए कि मेसोपोटामिया में समकालीन नगर मोहनजोदड़ो के विपरीत उर नगर में नगर नियोजन की उत्पत्ति का मतलब पद्धति का अभाव था। अब एक पॉइंट समझना जो मैं बता रहा हूँ मेरे भाई, एक पॉइंट समझो। जब आपने देखा कि अभी अगले चैप्टर मतलब 12वीं क्लास में मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ोगे, इस बार आपके मेसोपोटामिया के बारे में है, तो आप लोग को एक चीज पता होगा कि मेसोपोटामिया और मोहनजोदड़ो ये दोनों एक नगर नियोजन थे, क्योंकि आप जानते हो टाउनशिप मतलब पहला उसे डेवलप सिटी भी कहा जाता है। इन दोनों के बीच में कंपेटिटिव दिखाना है, जो इसके उर नगर थे उर और मारी उन नगर में नगर नियोजन की पद्धति का अभाव था। तो ये पॉइंट आपको डिफाइन करना है, जहां पे भी मतलब कि आपको दोनों टर्म्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर्स मिलेंगे आप उसका आंसर दे सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया के प्रारंभिक मंदिरों की रचना घरों जैसी क्यों प्रतीत होती थी, स्पष्ट कीजिए। ये मंदिरों वाले जो टॉपिक है मैं आपको बता रहा हूँ, ये 100 का 1000% आपके पेपर में आएगा, तो मतलब आएगा, समझे मेरे भाई। तो ये पॉइंट हो गया। फिर मेसोपोटामिया में परिवार एवं विवाह के नियम किस प्रकार के थे, स्पष्ट कीजिए। ये 50-50 है आपके आ सकते हैं। अभी मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आता हूँ। देखो मेरे भाई, सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, मंदिर मेसोपोटामिया की संस्कृति के अभिअंग थे, स्पष्ट कीजिए। मतलब क्या हो गया, जो मेसोपोटामिया के अंदर में जो मंदिर था ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे। तो अब आंसर देखो मेरे भाई, ये जो 5000 ईसा पूर्व दक्षिणी मेसोपोटामिया में एक बस्ती का विकास हुआ, आप ध्यान सुनते जाना, इसी तरह के पॉइंट आपको लिखा है। कुछ प्राचीन शहर मंदिर के चारों ओर विकसित हुए, सबसे पहला या ज्ञात ज्ञात मंदिर एक छोटा सा दिवालय था जो कि कच्चे ईंटों का बना हुआ था। मंदिर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के निवास स्थान थे, जैसे उर जो चंद्र देवता की और इन्ना जो प्रेम की युद्ध की देवी थी। तो आपको एक पॉइंट याद रखना है, तो जो वहां पे मेसोपोटामिया में जो सबसे ज्यादा गॉडेस को माना जाता था, जैसे कि उर जाते उर था वो चंद्र चंद्र देवता को मानते थे, जिसका मतलब चंद्र देवता को मानते थे, और इन्ना मतलब की सीधी सीधी जो प्रेम या युद्ध की देवी कहलाती थी। कुछ प्रारंभिक साधारण मंदिर घरों जैसे ही होते थे, क्योंकि मंदिर भी किसी देवता के घर होते थे। तो ये भी पॉइंट याद रखना, जैसे हमारे घर होते तो उसी तरह से मंदिर भी किसी देवता का घर होता है, ये कंप्लीमेंट्री दिखाया गया है। मेरे भाई देवता पूजा का केंद्र बिंदु होता था, लोग देवी देवताओं के लिए अन्न दही और मछली लाते थे, तो ये पॉइंट याद रखना। वहां पे मछलियों का सबसे ज्यादा प्रचलन हुआ करता था, क्योंकि वहां पे जो टिग्रिस और यूफ्रेट्स मतलब दजला और फरात नदियां था, वहां पे आप जानते हो किस तरह से व्यापार होते थे। आराध्य देव जो कि संधित रूप से खेतों मत्स्य क्षेत्रों और स्थानीय लोगों के पशुधन के स्वामी माना जाता था, तो कभी कभी एक नंबर में आ भी जाता है कि जो वहां के लोगों के स्थानीय लोगों के पशुधन और वहां पे स्वामी माना जाता था, किसको, ये आराध्य देव को, कौन सो ही आराध्य देव को। फिर अगला, समय आने पर उपज को उत्पादित वस्तुओं में बदलने की प्रक्रिया मंदिर में ही की जाती थी। मंदिर ने धीरे धीरे अपने क्रियाकलाप बढ़ा दिए और उस काल में मंदिर न केवल धार्मिक केंद्र थे अपितु आर्थिक क्रियाओं से भी जुड़े हुए थे। मतलब अब सोचो, जो मेसोपोटामिया के मंदिर हुआ करती थी वो सिर्फ वो मंदिर से रिलेटेड चीजें नहीं थी, वो उस एरिया का उस जगह का उस स्थान का एक इकोनॉमिकल सिस्टम भी डेवलप वहीं पे होना शुरू हो गया था। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पेपर में आएगा दोस्तों, समझे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन है जो कि आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, और क्वेश्चन क्या है, लाजवाब सा। देखो, संभवतः दुनिया को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन उसकी काल गणना और गणित की विद्वानपूर्ण परंपरा है, उस कथन की तर्कसंगत व्याख्या कीजिए। मेरे भाई आत्मा, गणित की विद्या, देखो गणित की विधातापूर्ण और यहाँ पे काल
गन्ना, आप जानते हो कि मेसोपोटामिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था वहां पे, एक तो गन्ना जो कि सबसे ज्यादा कैलकुलेशन की चीजें वहीं आई थी, मैथ्स की सारी कैलकुलेशन वहीं से आई थी। तो उस बेस पे आपके क्वेश्चन के आंसर है मेरे भाई, मेसोपोटामिया की दुनिया का सबसे बड़ी देन उसकी काल गन्ना और गणित के विधातापूर्ण परंपरा है। देखो पहला नंबर कौन सा कह रहे हैं यहाँ पे, पहला कह रहे हैं यहाँ पे 1800 ईसा पूर्व के आसपास की कुछ पटिकाएं मिली है जिनमें गुण गुना और भाग की तालिकाएं हैं, वर्ग तथा वर्गमूल और चक्रवृद्धि ब्याज की सारणियां दी गई है। अब देखो आज जो हम स्क्वायर क्यूब टेबल ये सब पढ़ते हैं, ये मेसोपोटामिया में आज ने 1800 ईसा पूर्व पहले ही इन सब चीजों को जिक्र किया गया था, जो आप लोग जानते हो। फिर यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये सारी चीजें मेसोपोटामिया वासियों से ही हमें ज्ञात हुआ है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा के अनुसार एक वर्ष पूरे 12 महीने में विभाजन, एक महीने का 4 हफ्तों में विभाजन और एक दिन का 24 घंटों विभाजन और एक घंटे का 60 मिनट में विभाजन किया गया। तो अब एक पॉइंट समझो, मेसोपोटामिया कितना इंपॉर्टेंट था जो आज हमें पता चलता है कि सूर्य के, देखो सूर्य के चारों ओर जब चंद्रमा अपनी परिक्रमा करती है तो पूरे वर्ष में आप जानते हो 12 महीने होते हैं, वो 12 महीने एक साल का 12 महीने, ये भी हमें मेसोपोटामिया से पता चला। फिर वो भी पता चल गया कि भैया एक महीने जो है 4 हफ्ते में कन्वर्ट करता है, ये भी हमें मेसोपोटामिया से पता चला। फिर वहां पे एक दिन जो है 24 घंटे में कन्वर्ट होता है, वो भी हमें वहां से पता चला। एक घंटे में 60 मिनट होता है, ये भी हमें मेसोपोटामिया से पता चला। तो ये सारी चीजें मेरे भाई आज हम दैनिक जीवन का हिस्सा है। सूर्य और चंद्र ग्रहण घटित होने पर वर्ष मास और दिन के अनुसार उनका हिसाब रखना गणना की जाती है। जैसे आप सूर्य ग्रहण सुनते होंगे या चंद्र ग्रहण सुनते होंगे, ये सारी चीजें रात को आकाश में तारों और तारामंडल की स्थिति पर नजर रखते हुए गणना की जाती है। आप जानते हैं कि जैसे हमारे आसमान में तारे होते हैं, वो उस सभी का कैलकुलेशन जो होते हैं हमें मेसोपोटामिया के टाइम पीरियड में ही सारी चीजों को पता चला था। तो अगर आप ये सारे क्वेश्चंस को अगर अच्छे तरीके से आप बना लेते हो, तो एक और पॉइंट बताता हूँ। देखो जैसे मान लो आपके सामने मेसोपोटामिया के क्वेश्चंस आए, ठीक है भाई, मेसोपोटामिया के क्वेश्चन जैसे आ गया आपको सब कुछ ब्लैंक हो गया, बट आपने क्वेश्चन देखा मेसोपोटामिया में मंदिर का टर्म आ रखा है क्वेश्चन में, तो वो मंदिर से रिलेटेड आपको सारे आंसर लिख के आना है, क्योंकि भाई क्वेश्चन थोड़े मतलब घुमा के आता है बट आंसर उसका सेम होता, तो इस चीज पे नजर जरूर रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मेरे भाई, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। मेसोपोटामिया की प्रमुख उपलब्धियों को वर्णित कीजिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता की विश्व को क्या देन है स्पष्ट कीजिए। आप जानते हो मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है पूरे वर्ल्ड को बहुत सारी चीजें दी है, क्योंकि वहां से एक मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में पता चला। सभ्यता का मतलब क्या होता, एक पढ़ा लिखा सिविलाइज, मतलब की आपको हर एक चीज एक ऑर्गेनाइज वे में करना आता है, वो सारी चीजें। तो यहीं से बहुत सारी चीजों को पता चला कि किस तरीके से जिंदगी जी जाती है, किस तरीके से पढ़ा जाता है, किस तरीके से लिखा जाता है, किस तरीके से हिसाब रखा जाता है, ये सारे मेसोपोटामिया में पता चला। तो मुझे आज बता दो जो आज है नाउ, अब कहाँ पे मेसोपोटामिया अभी कहाँ पे है, और वहाँ पे आप जानते हो बहुत तगड़ा वॉर भी चल रहा है अभी, मेसोपोटामिया जो है किस स्थान पे अवेलेबल है बताओ। पहला देखो लेखन कला, वहां का सबसे इंपॉर्टेंट चीज था मेसोपोटामिया पूरे वर्ल्ड को सबसे महंगी चीज जो दी वो दी है लेखन कला, आज जो हम पढ़ पाते हैं लिख पाते हैं समझ रहे बात को, ये भी मेसोपोटामिया से दिया हुआ है। गणित की गणनाओं का विकास, आप जानते हो गणितों के बारे में सबसे ज्यादा कहां से पता चला, मेसोपोटामिया से पता चला। जो आज हम स्क्वायर क्यूब रूट जो भी चीज पढ़ते हैं, अलजेब्रा तो आप लोगों ने छोड़ दी होगी भाई, 10वीं क्लास में मैथ्स पढ़ा होगा आप लोगों ने। जैसे चलो एक सिंपल सा सवाल है, ये बताओ 2 का स्क्वायर कितना होता है, देखते भाई बोले तो नहीं हूँ आप लोग, ये बहुत बच्चों वाला सवाल है, आप लोग कमेंट करके बताना। फिर उसी तरह से शहरी जीवन तथा सामाजिक व्यवस्था, उन्होंने फिर ये देखा मेसोपोटामिया के अंदर में, ये पता चला उनके शहरी जीवन कैसा है, किस तरीके से लाइफ स्टाइल होती है, कितनी लग्जरी लाइफ जीते हैं, समझ लो बात को। तो ये सारी चीजें पता चला। फिर वहां पे सामाजिक व्यवस्था कैसी है, ये भी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करता था। विद्यालय जैसी संस्थाएं, अब ये सोचो आज इतने कम विद्यालय है भारत के अंदर में, और पढ़ने में सीट मतलब कहते ना कि एक पे, अभी आपके क्लास में ये भी होता होगा एक चेयर पे आपको मतलब एक डेस्क पे कम से कम 3-4 जने गुच्छम गुत्थी करके बैठते होंगे। तो सोचो उस समय में विद्यालय की संस्थाएं सारी चीजों पता थी कि भाई मेसोपोटामिया से ये सारी चीजें आई है। अब सोचो इसीलिए तो उसे सभ्यता कहते हैं। सभ्यता का मतलब क्या होता है, देखो जैसे यहाँ पे बोला ना सभ्यता, देखो सभ्यता इसका मतलब होता है सिविलाइज, इसे कहते हैं सिविलाइज, मतलब की सिविलाइज मतलब पढ़ा लिखा, क्या भाई पढ़ा लिखा कहते हैं, पढ़ा लिखा कहते हैं, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। फिर 5000
ईसा पूर्व बस्तियों का विकास हुआ, फिर धीरे 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 वहां पे बस्तियों का विकास होना शुरू हो गया, फिर वहां पे विवाह का मैटर आना हो गया, उत्तराधिकारी होने लगा, मामलों में कानूनी दस्तावेजों का होना, मतलब कि देखो आज जैसे शादी ब्याह होता है, जैसे किसी का मतलब राजा है उसका बेटा अब आगे उत्तराधिकारी बनेगा, है ना, सक्सेसर बनेगा, ये सारी चीजें मेसोपोटामिया में ऑलरेडी एग्जिस्ट था। तो अब ये सारे टर्म्स को कितने अच्छे से बना लिख सकते हो, अगर आपने कंप्लीट वीडियो को आपने देखा तो सोचो आपको पहले चैप्टर से कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, इतनी गारंटी है। जो क्वेश्चन पीछे डिस्कस किया वो, और ये आप जानते हो अपने वहां लॉन्ग वीडियो नहीं होती, क्योंकि भाई जो हम 2 घंटे में समय देंगे वो भाई अगर 15 मिनट में हो सकता है तो वो सफिशियंट हमारे लिए, समझ रहे हो दोस्त यहाँ पे। तो ये सारी बातें, फिर वहां पे मोहर एक शहरी शिल्प कीर्ति मिली, फिर शहरीकरण का महत्व व्यापार वर्ग से मतलब सबसे ज्यादा वो लोग सबसे ज्यादा फोकस करते थे व्यापार पे, तो मेसोपोटामिया में सबसे ज्यादा फोकस भी करते थे व्यापार पे करते थे, और वहां से वो सारी चीजें वो देखते थे, सुमेरियन अकेडियन ये सारी चीजें। तो आप लोग होते हैं कि सबसे ज्यादा भाषा कौन सी बोली जाती है, एमसीक्यू में आपके क्वेश्चन आएंगे, तो बहुत सारी चीजें थी जो लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं अगर आपने इन क्वेश्चन को तैयार किया। तो आप देखो लॉन्ग क्वेश्चन विद आंसर अगर आपने इसको तैयार कर लिया तो शॉर्ट आपको ज्यादा सोचने नहीं पड़ेगी, जहां पे आपको टर्म दिखे आप सीधा सीधा वहां पे उसे एड ऑन कर सकते हो। तो यही एक फंडा था। नेक्स्ट आप लोग के सामने सेकंड चैप्टर या उसके अंदर बंचेस भी मिल जाएगा, अभी 10वीं का पेपर खत्म है इसलिए भाई, और थोड़ा सा चैनल पे भी प्रॉब्लम थी तो, बट मेरे भाई थैंक यू सो मच, बस इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखो, बस भाई आप लोग के लाइक्स बहुत कम होते, प्लीज लाइक करना और भाई कॉमेंट जरूर करना, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया करना, जो भी दिक्कत परेशानी कॉमेंट करना और व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ना। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।